साथियों, यदि आप किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, किसी ज़मीन की किसी भी प्रॉपर्टी की, तो आपको इन चार नियमों के बारे में जान लेना चाहिए जो कि जनवरी से बहुत ही प्रभावी रूप से लागू होंगी, जिनके बिना आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। अगर करवाई तो आपको बहुत बड़ी परेशानी से जूझना पड़ेगा। तो ऑफिशियली बात करेंगे कि रजिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उसने क्या क्या नियम जारी किए हैं और कौन कौन से जो है 1 जनवरी से प्रभावी रूप से लागू होंगे। तो साथियों, टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ और, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या कोई भी उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है, डबल रजिस्ट्री वगैरह, तो वो भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, आते हैं अपने टॉपिक पर। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, जो कि लगभग 25% जिलों में होने वाला है, वो है कि 1 जनवरी से नई सर्किल रेट सूची आ सकती है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, ये कोई नियम नहीं है, ये सावधानी है कि यदि मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो खरीद लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी से अधिकतर क्या देखा जाता है, 1 जनवरी से नई सर्किल रेट आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जहां आपकी लिखाई लग रही थी 100 रुपये, वहां पे लिखाई आपकी खर्चा हो सकता है 120 रुपये, ठीक है, जहां पे 10,000 वहां 12,000, ठीक है। तो हो सकता है 15 से 20% आपकी लिखाई बढ़ जाए, ठीक है, लगभग 25% जिलों में होगा, आप मान के चलिए। अब आप क्लियर पता कर लीजिए आपके यहाँ रेट लिस्ट जो है वो कब बढ़ने वाली है। अगर नहीं बढ़ी है 1-2 साल से, तो वो जनवरी में निश्चित ही बढ़ जाएगी और जनवरी में लिखाई महंगी हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है साथियों, वो ये है कि अब जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसका भुगतान जो है वो आप नगद नहीं कर सकते, केवल 20,000 रुपये तक ही नगद कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी कई जिलों में ऐसा प्रभावी है, लेकिन जनवरी से 2024 से ये जो चीज़ है, ये जो नियम जो है, वो अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से ये जो है इसका उपयोग होगा, ठीक है। यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहाँ पे जो भी लेन देन है, जैसे मान लीजिए 8 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप, ठीक है, सर्किल रेट जैसे मान लीजिए 7 लाख रुपये है, तो वो 7 लाख रुपये जो हैं आपको बैंक द्वारा या RTGS से दिखवाएं, ठीक है, या आप चेक द्वारा दिखवाएं, या आप DD द्वारा दिखवाएं, कैसे भी दिखवाएं, आपको वो लेन देन जो है वो नंबर 1 में दिखाना पड़ेगा, बैंक के द्वारा ही दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी रजिस्ट्री होगी। एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण बता दूं साथियों, कि कई लोग क्या करते हैं कि वो ट्रांसफ़र नहीं करते, फर्जी चेक दिखा देते हैं कि फलाने चेक संख्या से हमने ये कैश लिया है। साथियों, अगर नहीं लिया है, अगर चेक बाउंस हो गया और नहीं लिया गया है, तो वो रजिस्ट्री 100% आपकी कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने फर्जी चेक दिखा दिया तो श्योर 100% आपकी वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें 2024 से जो है आप 100% कोशिश करिएगा कि जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका जो निर्धारित मूल्य है वो आप बैंक द्वारा ही दें, चाहे RTGS, चाहे आप वो उससे जो भी चेक है उससे दे सकते हैं, ठीक है। ये 2 नियम हो गए सबसे ज़रूरी। साथियों, अगला जो नियम है वो है सबसे महत्वपूर्ण, कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहाँ पे क्रेता की सब कुछ जिम्मेदारी होगी। रजिस्ट्री ऑफिस ने, रजिस्ट्री विभाग ने स्पष्ट रूप से ये जो है अनाउंसमेंट कर रखा है। जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, स्पष्ट उन्होंने पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी है, अभी ही कर दी है, लेकिन आने वाले 2024 में आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ेगी, ठीक है। क्या क्या वो गाइडलाइंस है? वो गाइडलाइंस है साथियों, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी में आजकल कई फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड कैसे? जैसे मान लीजिए आपने डबल रजिस्ट्री हो गई, उसने किसी को बेच दी थी, फिर आपने डबल रजिस्ट्री करा ली, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ है उस पर कोई लोन हुआ, तीसरी चीज़ उसका दाखिल खारिज नहीं है, चौथी चीज़ उसकी ऑनरशिप सही नहीं है, पाँचवीं चीज़ उस पर कोई केस चल रहा है, छठवीं चीज़ उसकी कोई वसीयत कर दी थी। तो साथियों, ये जो भी समस्याएँ हैं, जो भी ऐसे फ्रॉड हैं, वो फ्रॉड देखना, उनकी जांच पड़ताल करना स्वयं आपकी जिम्मेदारी होगी, ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3 जो है वो भी स्पष्ट रूप से कहता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं साथियों, जो रजिस्ट्री ऑफिस ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामान्य जानकारी दी है वो। साथियों, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, कि यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसकी खतौनी दिखवाना चाहते, दाखिल खारिज दिखवाना चाहते, रजिस्ट्री चेक करवाना चाहते, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फीस पे करके आप ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। साथियों, यहाँ पे आप देखिए, पहला, विक्रेता को
संबंधित संपत्ति का स्वामित्व यदि किसी पंजीकृत लेख अथवा न्यायालय के आदेश या अन्य किसी विधिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ है तो क्रेता यानी कि जो जमीन खरीदा है वह स्वामित्व संबंधी अभिलेखों की प्रति विक्रेता से प्राप्त करे और उसका सत्यापन कर ले। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, उसने रजिस्ट्री दिखाई, भाई ये रही रजिस्ट्री हमारी, ठीक है, तो आप उसका सत्यापन करें कि ये जो रजिस्ट्री दी है ये सही है, इसमें जो रकवा डला है क्रेता विक्रेता गाटा संख्या वो सही है कि नहीं। आप कैसे करेंगे कि रजिस्ट्री ऑफिस में वही चीज़ लिखी है कि नहीं, ये जो हमने इसने मुझे दिखा दी है वही रजिस्ट्री ऑफिस में है कि नहीं, ये चेक करवा सकते सत्यापन करवा सकते हैं, ठीक है, या आप मेरे द्वारा ऑनलाइन भी करवा सकते सत्यापन, ठीक है। दूसरी चीज़ साथियों जो सबसे ज़रूरी है वो है कि क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की पहचान भौतिक सत्यापन करके स्वयं कर लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आप एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसका भौतिक सत्यापन करना चाहिए। भौतिक सत्यापन कैसे, आपको वहाँ जाना चाहिए, आसपास के लोगों से पूछना चाहिए, आपको देखना चाहिए कब्जा किसी का तो नहीं है, ठीक है, ये भौतिक सत्यापन हो गया। आपको जानकारी लेनी चाहिए कि इसमें कोई विवाद तो नहीं, केस तो नहीं चल रहा, ठीक है। और यह पहचान संबंधित भूमि संपत्ति पर जाकर एवं इसके आसपास उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करके संबंधित ग्राम का राजस्व सुरक्षा प्राप्त करके संबंधित कॉलोनियों का लेआउट प्राप्त करके की जा सकती है। देखिए साथियों क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री चेक कर ली, रजिस्ट्री सही, खतौनी चेक कर ली, खतौनी सही, फिर इसका नक्शा भी आपको प्राप्त करना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, ठीक है। नक्शा क्यों प्राप्त करना चाहिए, भाई ए ने कहा ये एक्स प्रॉपर्टी मेरे रोड के किनारे है, गाटा संख्या 76, आपने मान लिया, आपने रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन पता चला नक्शे में ये तो रोड से बहुत पीछे है, ठीक है, तो आप ठग गए, उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। तीसरा जो है वह क्रेता को विक्रेता की पहचान स्वयं सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, ठीक है ना साथियों। देखिए आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लीजिए रामदास से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको ये स्वयं सुनिश्चित करना है क्या यही व्यक्ति रामदास है जो प्रॉपर्टी बेच रहा है कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट भी कहता है साथियों, और ये कानून भी कहता है, ये रजिस्ट्री जो विभाग है वो भी ये कह रहा है, ठीक है। चौथा है वो है क्रेता को संबंधित संपत्ति पर किसी प्रकार के प्रभार यानी कि लोन अथवा उस संपत्ति के संबंध में पूर्व में हुए अन्य सौदे की जानकारी, कोई इकरार एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, ठीक है, उपनिबंधक कार्यालय से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके लिए उपनिबंधक कार्यालय के नियमानुसार निर्धारित फीस की अदायगी देने के बाद आप पूरा जो है प्रोसेस ले सकते हैं। क्या कह रहा है भाई कि इसकी कोई रजिस्ट्री तो नहीं है, इसका कोई एग्रीमेंट तो नहीं है, इसका कोई किरायानामा तो नहीं है, सारी चीज़ें साथियों आपको पता करनी है, नहीं पता करी तो भाई आपकी जिम्मेदारी, ठीक है, डूब जाएगा पूरा पैसा। और साथियों लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विक्रेता का लास्ट देखिए 5, विक्रेता का यह दायित्व तो है कि वह अचल संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित समस्त अभिलेखों की प्रतियां क्रेता को उपलब्ध करा दे, यानी कि जो जमीन बेच रहा है भाई वो जो भी प्रतियां हैं, मान लीजिए रजिस्ट्री है भाई, उसकी फोटोकॉपी है, वो उसे जो भी मान लीजिए क्रेता जमीन खरीद रहा है उसे दे देनी चाहिए, क्योंकि वो भाई उसकी जाँच पड़ताल कर सके। तो साथियों ये थे नियम जो कि 2024 से सख्ती से प्रभावी होंगे, अभी इसमें से नियम प्रभावी हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे, लेकिन 2024 से सख्ती से प्रभावी होंगे, और अच्छी बात है फ्रॉड नहीं हो सकेगा।